वेलकम मैथ एजुकेशन भाई अमित। थ्योरम 8.1 आज पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कहता है थ्योरम 8.1 कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, बड़े आराम से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, यह हमारा क्या है पैरेललोग्राम है, यानी कि हमें गिवन में क्या दे दिया गया है, गिवन में दे दिया है ए बी पैरेलल सी डी एंड और ए डी पैरेलल बी सी। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ये हमें गिवन में दे दिया। अब कह रहा है पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कंग्रुएंट ट्रायंगल, यह जो डायगोनल है यह क्या कर रहा है, इस पैरेललोग्राम को दो कंग्रुएंट ट्रायंगलों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कंग्रुएंट मतलब क्या होते हैं आप जानते हैं कि इक्वल, यानी कि बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड करना, ठीक है। चलिए अब हम इसको कंग्रुएंट दिखाते हैं, दिखाएंगे कैसे, पहले हम इस वाले को लेंगे, फिर सेकंड में इस वाले को लेंगे, कंग्रुएंट दिखा लेंगे। कैसे लेंगे हम, देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो जब ए बी आपका पैरेलल होगा सी डी के तो ए सी क्या होगा हमारा, ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। आप देख रहे हो ए सी क्या है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, लिख दो ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गया। अब जब यह ट्रांसवर्सल हो गया तो आप क्या देख रहे हो कि इस पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल से सटा हुआ एंगल ये है, ठीक है, और इस पैरेलल लाइन से और ट्रांसवर्सल से सटा हुआ एंगल ये है। तो यह कैसे एंगल होंगे, यह अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे, यानी कि आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख देंगे एंगल कौन कौन से, सी ए बी, सी ए बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी सी ए के, एंगल डी सी ए के, ठीक है। ये हमारा हो गया किससे, ए बी पैरेलल सी डी से। अब आप क्या दिखाओगे, ए डी पैरेलल बी सी, क्यों, क्योंकि ये हमारा पैरेललोग्राम है, ए डी भी तो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं ए डी पैरेलल है किसके, ये मैं फर्स्ट कर लेता हूं और ए डी पैरेलल हो जाएगा बी सी के, एंड फिर देखो ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है उसी के लिए, ठीक है। क्या है, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल हो गया। अब सेम चीज वही फिर देखो कि यह पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से सटा हुआ एंगल ये है और इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल से सटा हुआ एंगल ये है, ठीक है। अब ये दोनों हमारे कैसे होंगे, कंग्रू, एक आपके अल्टरनेट एंगल होंगे ना, अल्टरनेट होंगे एंगल, ठीक। चलिए इसको लिख देते हैं एंगल कौन कौन से, सी ए डी, पहले आप देख लो किस वाले ट्रायंगल में चले थे, सी बी ए में चले थे ना, सी ए बी में चले थे, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में चले थे, तो इसमें भी किस में चलेंगे, पहले इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, क्यों, देखो बी सी ए लिख लो, क्या है बी सी ए इज इक्वल टू यह वाला एंगल हमने लिख दिया, और किसके इक्वल है, इसके, यानी कि डी ए सी के, एंगल डी ए सी के दोनों हमारे हो गए, ठीक है। अब देखो ए सी क्या है, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, क्या है ए सी, दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, तो लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, ठीक है। अब यह क्या हो गया हमारा, देखो ये हो गया एंगल, देखो फिगर में ध्यान से देखो कैसे होगा, ये एंगल हमने कहा था, ये एंगल कहा था, फिर ये एंगल कहा था और ये एंगल कहा था, बीच में क्या हमारा बच रहा है साइड, तो इधर साइड लिख दो, इधर साइड लिख दो, तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है फिगर के अनुसार देख के, देखो क्या एंगल साइड एंगल, एक वाले ट्रायंगल में चले तो क्या मिल रहा है एंगल साइड एंगल, दूसरे वाले में भी चले तो क्या मिल रहा है एंगल साइड एंगल, तो यह किस प्रॉपर्टी से हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड एंगल से, तो लिख देंगे बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, ठीक है। लिख देंगे अब सीधा सीधा ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी सी, ए बी सी पैरेलल हो, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हम दिखा रहे हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ए सी डी के, ए सी डी के, देखिए हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, ये क्या है हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू, धन्यवाद।